नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कोरोना की मार पूरी दुनिया झेलने को मजबूर है। हर तरफ कोरोना ने त्राहिमाम मचा रखा है। वहीं अब इस महामारी के बीच एक उम्मीद की किरण दिखी है। दरअसल कोरोना वायरस के खिलाफ एक ओरल ड्रग प्रभावी पाया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कोरोना से जारी जंग के बीच एक खुशखबरी सामने आई है। कोरोना वायरस के खिलाफ एक ओरल ड्रग चूहे पर प्रभावी पाई गई है और तो और इंसानों पर भी इस दवा का अंतिम चरण का परीक्षण चल रहा है। इस दवा को इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए विकसित किया गया था और इस बात की जानकारी शोधकर्ताओं ने दी है। चूहों की एक प्रजाति हैमस्टर पर किए गए अध्ययन में ये भी देखा गया है कि ये दवा कोरोना वायरस से फेफड़ों को होने वाले नुकसान को भी कम करती है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और ब्रिटेन की प्लायमाउथ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया कि MK-4482 दवा कोरोना वायरस सोर्स कोव 2 संक्रमण के 12 घंटे पहले या 12 घंटे के बाद देने पर प्रभावी है। ये दवा मोलनुपिरवीर के नाम से आती है। अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक एंटीवायरल दवा MK-4482 कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को कम कर सकती है और पहले से ही संक्रमित मरीजों के इलाज में भी ये अकेले या अन्य दवाइयों के साथ प्रभावी हो सकती है। हालांकि शोध करने वालों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए अभी कोई प्रभावी दवा नहीं है। प्लायमाउथ विश्वविद्यालय में वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और NIH में गेस्ट रिसर्चर माइकल जवाइस ने कहा कि सोर्स कोव 2 के खिलाफ वैक्सीन के विपरीत हमारे पास इस वायरस के खिलाफ प्रभावी दवा नहीं है। MK-4482 के नतीजे उत्साहजनक हैं और ये सोर्स COV-2 के खिलाफ एक अतिरिक्त दवा हो सकती है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का कहना है कि उसके सहयोगी ने कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही एंटीवायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की ओरल ड्रग का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। जुबिलेंट फार्मोवा ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी है कि भारत में ये परीक्षण जानवरों और स्वस्थ लोगों पर किया गया है। कंपनी ने इस दवा पर आगे के अध्ययन के लिए भारतीय दवा महानियंत्रक DCGI से अनुमति मांगी है। कोरोना से जंग के बीच आई इस गुड न्यूज ने यकीनन आप सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी होगी, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इंसानों पर इसका आखिरी परीक्षण सफल हो पाता है या नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।